जी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारी फिलिंग दी ब्लैंक्स 1 to 8 बोर्ड पर लिख ली हैं और उनके साथ वो दो अल्फाज भी लिख लिए हैं। उन दो अल्फाज में से आपने एक लफ्ज चूज करके ब्लैंक में लिखना है। पूरी फिलिंग दी ब्लैंक करवाने का यही मकसद है कि पहले हमने आपको पैटर्न नहीं बताया था किस तरह लिखना है, अब मैं ये डिटेल वीडियो पैटर्न बताने के लिए ही जो सा है वो बना रही हूँ। तो जिस तरह मैं लिखूँगी, जिस तरह मैं शेप्स बनाऊँगी, जो मैं पैटर्न यूज़ करूँगी, आपने बिल्कुल उसी तरह ही बच्चों को उसकी तैयारी करवानी है अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के मार्क्स पेपर में डिडक्ट ना हो और उनके फुल मार्क्स आएँ। ठीक है, तो सबसे पहली हम फिलिंग दी ब्लैंक पढ़ते हैं। क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत दयाश करने वाला है। क्या करने वाला है? सब्र करने वाला है या रहम करने वाला है? अल्लाह इन नहायत मेहरबान, अल्लाह जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत दयाश करने वाला है। क्या करने वाला है? रहम। क्या करने वाला है? रहम करने वाला है। तो रहम हम किस तरह लिखेंगे ये देखें बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा किस तरह मैं लिखने लगी हूँ। रे किस तरह लिखते हैं, मैंने अभी पहली वीडियोस में उर्दू और इस्लामियात की बताया है। एक दफ़ा फिर से, रे होता है हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो लाइन को टच करती है और उसके बाद यहाँ से ही एक स्लांट लाइन बना देते हैं तो ये हो जाता है हमारा रे। अब रे का जो ये नोक है, जो ये कॉर्नर है रे का, ये लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए, लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइन के साथ टच करना चाहिए। और उसके बाद हे की छोटी शक्ल हम हवा में बनाएंगे। ये देखिए, ये हे की हमारी छोटी शक्ल हो गई विद टेल। ठीक है, और उसके साथ मीम, ये देखिए इसके साथ हम मीम बनाएंगे। मीम को अंदर को टर्न करेंगे, अंदर को टर्न करके ऊपर से नीचे आएंगे स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा रहम लिखा जाएगा। देखा है किस तरह मैंने लिखा है? एक दफा दोबारा से मैं लिख के दिखा देती हूँ। स्ट्रेट लाइन एंड स्लांटिंग लाइन रे, और उसके बाद हे की छोटी शक्ल बनाएंगे हम हवा में। ये हो गई हमारी हे की छोटी शक्ल विद टेल। और मीम को आपने यहां से अंदर को राउंड करना है, राउंड करके आप घुमा के ऊपर से लेके आएंगे तो ये हमारा रहम बन जाएगा। उसके बाद सेकंड फिलिंग दी ब्लैंक क्या है? नबी सच्चे और डैश होते हैं, मासूम और महफूज। दो हमारे पास वर्ड्स हैं, मासूम और महफूज। नबी सच्चे और डैश होते हैं, नबी सच्चे और मासूम होते हैं। मासूम लिखना थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मैं जिस तरह बताऊंगी आपने उसी तरह देखिए। मैं दोबारा भी लिख के दिखा दूंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आपने मीम जो सा है, मीम की आधी शक्ल हवा में बनानी है। मीम हमेशा ये देखिए एक अच्छा सा डॉट भर के और ऊपर से नीचे लेके आते हैं हमेशा मीम को। ये देखिए ऊपर से नीचे ले आए और इसकी हमने बना दी टेल। मीम बना के हमने मीम की टेल बना दी। ठीक है, इसके ऊपर अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने आइन लिखना है। आइन जो सा है वो इस तरह से देखिए, बास बच्चों को जो सा ना हेल्प के लिए मैं बता देती हूँ कि जोन सा है आपने क्या बनाना है। ऐसे करेंगे वी बनाते ना, ये देखें ये वी बना दी और वी के ऊपर ना आपने ये स्लीपिंग लाइन लगा देनी है तो ये हमारा आइन बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी टेल बाहर निकालनी है क्योंकि हमने आगे स्वाद लिखना है। स्वाद की आधी शक्ल आपको पता है ना कैसी होती है? ये देखें यहां से हम स्वाद की आधी शक्ल बनाएंगे। ये हो गई स्वाद की आधी शक्ल, स्वाद का शोशा और अगेन टेल। मीम बनाया, मीम की टेल, फिर उसके बाद वी बना के उसके बाद स्लीपिंग लाइन लगा के हमने आइन बना दिया और उसकी टेल, और उसके बाद स्वाद की आधी शक्ल बना के उसकी टेल। ठीक है, उसके बाद हमने इसके साथ वाओ को जोड़ देना है। वाओ को हम कैसे जोड़ेंगे? वाओ आपको पता है कैसे लिखना है? वाओ का हाफ सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड स्लांटिंग लाइन हमारा वाओ बन जाता है। ठीक है, और इसके आगे हमने लिख देना है मीम। जब सिंगल मीम आएगा तो वो इसी तरह ही सिंगल मीम आइन की तरह, जैसे मैंने बताया वी बना के आप ऊपर एक स्लीपिंग लाइन लगा दें। ठीक है, उसके बाद इसको आगे ले जाके यूं नीचे ले आए तो ये आपका अच्छा सा प्यारा सा मीम बन जाएगा। ठीक है, उसमें आप फिलिंग कर दें तो ये आपका मासूम बन जाएगा।
ठीक है, मैं एक दफा दोबारा से आपको मासूम लिख के दिखाती हूँ यहाँ साइड पर। मासूम का मीम कैसे बनाना है मैंने आपको बताया है, मीम की आधी शक्ल हवा में आपने बनानी है, ऊपर से नीचे लाएंगे और टेल बना देंगे मीम की। उसके बाद आइन कैसे बनाना है, वी आपने वी बनाना है इसके ऊपर और वी की एक ये देखिए स्लीपिंग लाइन लगा दी तो ये आइन बन गया और इसके आगे आपने फिर टेल बना देनी है। अब इस टेल से हमने स्वाद की आधी शक्ल जोड़नी है, ये देखिए ये स्वाद की आधी शक्ल, स्वाद का शोशा और फिर से टेल, मीम आइन स्वाद। उसके बाद स्वाद के साथ आपने वाओ जोड़ना है, वाओ कैसे है, हाफ सर्कल स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग लाइन हमारा मासू, उसके बाद मीम, ये हो जाएगा हमारा मीम, तो ये हमारा पूरा वर्ड हो जाएगा मासूम। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप इसको लिखने की बार 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 रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लिखना आ जाएगा, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद हमारी थर्ड फिलिंग दी ब्लैंक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम - रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कौन सी रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 8 या 12? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। 12 लिखना थोड़ा आसान है, आपने क्या करना है, चाहे तो आप बे की आधी शक्ल बना लीजिए, बे की आधी शक्ल और उसके साथ अलिफ को ज्वाइन कर लें ऐसे, ठीक है, और नीचे बे का नुक्ता लगा दें, बे अलिफ बा, उसके बाद रे स्ट्रेट लाइन, लाइन को टच करके और वहां से नीचे स्लांटिंग लाइन, बे अलिफ बा रे, आगे हे, हे इज अ फुल सर्कल लेकिन उसमें से थोड़ी सी टेल्स निकलेंगी ऊपर, ये देखें ये हमारा होता है हे, ठीक है। 12 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। उसके बाद नमाज पढ़ने से पहले डैश करना चाहिए, क्या करना चाहिए नमाज पढ़ने से पहले, क्या करते हैं इसकी हमने रीडिंग की थी ना, गुसल करते हैं यानी कि नहाते हैं या वजू करते हैं, नमाज पढ़ने से पहले नहाते हैं या वजू करते हैं, नहाते भी हैं लेकिन नमाज करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है जिसके बगैर नमाज नहीं होती है वो है वज़ू, वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती, वज़ू करना बहुत ज़रूरी है इसलिए नमाज पढ़ने से पहले हम करते हैं वज़ू। अब वज़ू कैसे लिखना है, आप लोगों ने वाओ कैसे लिखना है, रे की तरह ही पहले आप बनाएंगे स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग लाइन, उसके बाद आप वाओ जो सा है यहाँ से वाओ का हाफ सर्कल बना देंगे तो ये हमारा बहुत प्यारा सा वाओ बन जाएगा। वाओ के बाद अब ज़ुआद की आधी शक्ल हवा में लिखनी है, ज़ुआद की आधी शक्ल कैसी होती है ये देखें, शोशा और टेल, ये ज़ुआद की आधी शक्ल और ज़ुआद का ऊपर नुक्ता, उसके बाद वाओ हमने लिखना है इसके साथ बिल्कुल वैसे ही हाफ सर्कल स्ट्रेट लाइन एंड स्लंटिंग लाइन, ये हमारा बन जाएगा वज़ू। देखिए कितना प्यारा अच्छा वज़ू लिखा गया है। उसके बाद हमारी नंबर 5 फिलिंग दी ब्लैंक है, अपने कमरा जमात को डैश रखें, यानी कि अपना कमरा जमात किसको कहते हैं, क्लासरूम को कहते हैं, तो आप मुझे बताएं क्लासरूम को साफ रखना चाहिए या गंदा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए क्लासरूम को, साफ रखना चाहिए, दो ऑप्शंस है गंदा और साफ, इसमें से हम साफ लिखेंगे। तो स्वाद कैसे लिखेंगे, स्वाद अभी मैंने आपको 2-3 दफ़ा लिखना बताया है, स्वाद की आधी शक्ल कैसे होती है, स्वाद ये देखिए ये थोड़ा सा हमारा इस तरह का हाफ सर्कल होता है, उसके बाद ये इसकी टेल लाइन को टच की, स्वाद का आएगा शोशा, उसके बाद इसको हम अलिफ के साथ जोड़ देंगे, स्वाद अलिफ सा और फे तो बहुत ही आसान है, आपने बे बनानी है पहले, बे बना ली और इसकी स्टिक को थोड़ा सा ऊंचा करके आपने इसका हाफ सर्कल बना देना है तो ये हमारा अच्छा सा फे बन जाएगा, स्वाद अलिफ सा फे साफ। अपने कमरा जमात को साफ रखें। उसके बाद नंबर 6 वाली हमारी फिलिंग दी ब्लैंक है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की डैश किताब है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की कौन सी किताब है, पहली किताब है या आखिरी किताब है, सबसे पहली किताब कौन सी थी और सबसे आखिरी किताब कौन सी है, हम लोगों ने पिछली दफ़ा पढ़ा था अगर किसी बच्चे ने रीडिंग की हो तो। कुरान मजीद हमारी पहली किताब है या आखिरी किताब है, आखिरी किताब है, सबसे लास्ट में कुरान मजीद नाजिल हुई थी, 4 आसमानी किताबों में से सबसे आखिर में कुरान मजीद आई थी।
तो आखिरी हमने लिखना है, आखिरी किस तरह लिखना है, आखिरी के लिए हम लोग सबसे पहले अलिफ मद्दा लिखेंगे। अलिफ मद्दा के लिए एक स्ट्रेट अलिफ बनाएंगे और उसके ऊपर मद्दा कैसे बनाते हैं ये देखें, ये इस तरह से हमारी मद्दा होती है अलिफ मद्दा। उसके बाद खे, खे किस तरह, खे जो सी जीम चे है, खे की आधी शक्ल आपने लिखनी है हवा में थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन ये नीचे आके जो सा है ना लाइन को टच होगी ये बहुत ज्यादा हवा में नहीं होगी क्योंकि हमने इसके साथ रे ज्वाइन करना है, ठीक है। ये देखें ये खे इसकी टेल लाइन को टच की और यहां से हमने ये लगा दी स्लांटिंग लाइन, तो ये हमारा खे बन गया। आप याद रखिये खे की आधी शक्ल बनाने के बाद जो उसकी टेल है वो लाइन को टच करेगी और रे जो सा है वो एकदम स्लांटिंग लाइन लाइन से नीचे चली जाएगी। ये सारे काम इस लाइन के ऊपर होंगे, हवा में नहीं लेके जाने या लाइन से नीचे नहीं लेके जाने, प्रॉपर लाइन को ये टच करना चाहिए। अलिफ मदा खे रे और छोटी ये हो गई हमारी आखिरी। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। उसके बाद रमज़ान में डैश रखे जाते हैं। रमज़ान में क्या रखते हैं हम, रोज़े रखते हैं या पैसे रखते हैं? सब बच्चों को मालूम होगा आई होप ये कि रमज़ान के महीने में हम रोज़े रखते हैं। रमज़ान के महीने में हम रोज़े रखते हैं। रोज़े लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले आप रे बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, लाइन को टच करने के बाद स्लांटिंग लाइन रे। उसके बाद वाव भी इसी तरह ही बनाना है, स्ट्रेट लाइन, लाइन को टच करके स्लांटिंग लाइन और उसके बाद वाओ जोन सा है उसका हाफ सर्कल बनाएंगे तो रेवा और रो बन जाएगा, रेवा और रो। और जे की, जे जोन सा है वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है, स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग लाइन, लेकिन बस जे के ऊपर एक नुक्ता आता है तो ये हमारा रोज बन गया, रेवा और रो, जे रोज। उसके आगे अगर हम बढ़िए लिख देंगे तो ये हमारा रोजे बन जाएगा। रमजान के महीने में हम रोज़े रखते हैं और रोज़े की बढ़िए लाइन के ऊपर आनी आएगी, बिल्कुल लाइन से नीचे या शेकी नहीं होगी, सही स्लीपिंग लाइन लगानी है आपने। और हमारी आखिरी फिलिंग दी ब्लैंक है, ईद उल अज़हा में मुसलमान डैश की कुर्बानी करते हैं। किसकी कुर्बानी करते हैं? ईद उल अज़हा यानी कि बड़ी ईद पे आप कुर्बानी करते हैं, किसकी कुर्बानी करते हैं, अपनी जान की या जानवरों की? जानवरों की कुर्बानी करते हैं हम, तो ईद उल अज़हा में मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। जानवर कैसे लिखेंगे हम? जीम की छोटी शक्ल और उसकी टेल लाइन को टच और जीम का नुक्ता, ये बन गई हमारी जीम की छोटी शक्ल। इसके साथ हम अलिफ ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा जीम अलिफ जा बन जाएगा। उसके बाद नून वाओ नो हमने लिखना है। आप चाहें तो पहले वाओ लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग लाइन और ये वाओ। वाओ लिखने के बाद आप क्या करें, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन और स्लीपिंग लाइन लाके आप वाओ की नीचे वाली जो स्टिक है उसके साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये नून वाओ नो हमारा बन जाएगा, ठीक है। जानो आगे वाओ के साथ, वाओ के बाद आएगा रे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग लाइन, लाइन से नीचे जानवर, जीन अलिफ जा नून वाओरे वर, जान जीम अलिफ जा नून जान वाओरे वर, जानवर जीम अलिफ जा नून जान वाओरे वर, जानवर। आगे रो ज़्यादा है ना, एक होता तो हम जानवर लिखते, ये ज़्यादा जानवरों की करते हैं तो इसीलिए वाओ, वाओ आएगा, वाओ किसी तरह रे की तरह ही स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग लाइन और वाओ का ये आ जाएगा हाफ सर्कल। जानवर रेवरों और नून हुन्ना जानवरों, तो ये हमारा इस तरह से जानवरों मुकम्मल होगा और हमारी फिलिंग दी ब्लैंक भी इस्लामियत की इसके साथ साथ फिनिश हो जाएंगी। मैं एक दफ़ा आपको सारी जो वर्ड्स हमने लिखे हैं उसकी फॉर्मेशन दिखा देती हूँ। सबसे पहला था शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम, रहम इस तरह से लिखा था हमने। उसके बाद दूसरी थी नबी सच्चे और मासूम, मासूम इस तरह से लिखा हमने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कौन सी रबीउल अव्वल को? 12 रबीउल अव्वल को। नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? वजू करना चाहिए। अपने कमरा जमात यानी कि अपनी क्लासरूम को डैश रखें, क्या रखें? साफ रखें। उसके बाद कुरान मजीद अल्लाह ताला की डैश किताब है, कौन सी किताब है? आखिरी किताब है, ठीक है।
और उसके बाद सेकंड लास्ट है हमारा रमजान में डैश रखे जाते हैं, क्या रखते हैं हम रमजान में, रोजे। उसके बाद ईद उल अज़हा में मुसलमान डैश की कुर्बानी देते हैं, जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सारी फिलिंग दी ब्लैंक्स इस्लामियात की कंप्लीट। ये हो गया हमारा प्रॉपर व्यू इस सारी वर्किंग का। तो इस तरह इस फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोगों ने बच्चों को अब जो असेसमेंट है उसकी तैयारी करवानी है। इसी तरह आपने सारी फिलिंग दी ब्लैंक्स, फर्स्ट टर्म की ये पूरी फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट टर्म हमारी ख़त्म होती है अक्टूबर में, तो जब तक अक्टूबर के पेपर नहीं हो जाते तब तक आपने ये ही इन्हीं फिलिंग दी ब्लैंक्स की बार बार रिवीजन करनी है। इसके अलावा और कोई फिलिंग दी ब्लैंक नहीं है इस्लामियात में।